महाराष्ट्र में साइंस स्ट्रीम का 12वीं बोर्ड का पेपर लीक हो गया। मुंबई के डॉक्टर एथनी डिलसेवा हाई स्कूल में एक विद्यार्थी के मोबाइल से गणित के पेपर का कुछ हिस्सा मिला है। शिवाजी पार्क पुलिस ने इस मामले में 3 विद्यार्थियों समेत एक अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एग्जाम सेंटर पर एक विद्यार्थी के पास से मोबाइल जब्त किया गया था। जब उस मोबाइल की जांच की गई तो उसके पास 10:17 पर पेपर का कुछ हिस्सा आया हुआ था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी गई है। परीक्षा केंद्र प्रमुख द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार एक कक्षा के पर्यवेक्षक ने पेपर के बाद उनसे संपर्क किया कि एक छात्र परीक्षा हॉल के अंदर सेलफोन के साथ पकड़ा गया। छात्रों को एग्जाम हॉल में अपने सेलफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। एग्जाम हॉल के हेड ने कहा कि छात्र ने फोन पर ही पेपर को एक दोस्त के साथ भी शेयर किया था। पेपर लीक के इस मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है और डीसीपी प्रसाद कदम और वरिष्ठ पीआई घनश्याम नायर के नेतृत्व में एक टीम मामले की जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच उन लोगों का ब्यौरा भी हासिल करेगी जिनके पास एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रश्न पत्र भेजने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले व्हाट्सएप नंबर हैं।